चलिए यहाँ पर आ चुके तो भाई नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे द एग्रीकल्चर गुरु यूट्यूब चैनल। तो जैसा मैंने आप लोगों को इवनिंग में लिंक जो है भेज दिया था, रात को 12-1 बजे लिंक आपको सेंड किया था कि हम यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर का जो कि 18 अगस्त मतलब कि कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी तक जो हमारी फ्री क्लासेस हुई हैं उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे यूपी पीजीटी में आए हुए हैं, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या वहाँ से क्वेश्चंस आपके फंसे हुए हैं या नहीं, तो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे यूपी पीजीटी के एग्जाम पेपर का। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रगति आ चुकी हैं और RT देव आ चुके हैं। तो प्रगति तो हमारी डेली क्लासेस लेती हैं, लेकिन ये जो RT देव एंटरटेनमेंट है ये मुझे पहली बार दिख रहे हैं। और जितने भी बच्चे आते जाएंगे भाई एक एनालिसिस देखो, और अभी तक जो मैंने पढ़ाया, यदि आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, एग्रोनॉमी की और सोयल साइंस की और जनरल एग्रीकल्चर की, तो उन चारों की चारों क्लासेस से कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं वो मैं आज आप लोगों के यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अपन क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि कम ही बच्चे हैं और हो सकता है आप लोग मुझे बाद में देख रहे हो जब मेरा लाइव कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि मैंने ये क्लास तो लाइव के हिसाब से ही शेड्यूल किया हुआ था, बट कम बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अब सो रहे होंगे भाई, सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बाद में भी देखें तो बाद में भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे द्वारा कितना फंस रहा है जो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जगजीत सिंह, चलो यार सारे लोग आ गए, क्या बात है, मैं सोच रहा था कोई आएगा नहीं। तो देखो यूपी पीजीटी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम था 18 अगस्त को, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और 18 अगस्त 2021 कल एग्जाम हुआ है, एनालिसिस अपन करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। भाई WTO आपका कब एग्जिस्टेंस में आया, अब मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि मैंने कब पढ़ाया हुआ है। जब मैंने आप लोगों को GATT, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था इंडियन एग्रीकल्चर की, और मैंने आपको पढ़ाया था GATT, मैंने बोला था पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, इसके बारे में जब मैंने बताया था, तो ये आगे चलकर मैंने बोला था ये बना था आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि जनवरी 1995 में इसको WTO नाम दिया गया था। बहुत सारे देशों ने मिलकर यहाँ पर इसको WTO किया गया था, वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, जनवरी 1995। तो मतलब जो भी मैं बोलता हूँ क्लास में, जो भी मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि भैया ये पढ़िए ये पढ़िए, तो आप लोगों को वहां पर उसे नोट भी करते चलना है, नोट जरूर करना है, नहीं तो आप लोग सोचो कि अरे यार सर तो बस बोल रहे हैं और जाने दो बोलने के बाद में, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ सौरभ सिंह गुड मॉर्निंग। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। अभी हम सोयल साइंस की क्लास में 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर शब्द आ गया था कौन सा, कोलुवियम। यहाँ पे कोलुवियल लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन वहां पे शब्द आया था कोलुवियम। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोलुवियम है आपके ग्रेविटी के द्वारा जब ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे नदियों के द्वारा, जब रॉक्स का हम बात कर रहे थे, मिनरल्स की हम बात कर रहे थे, नदियों के द्वारा क्या हो रहा था कि सैंड सिल्ट और ये जो पार्टिकल हैं, बड़े बड़े पार्टिकल लाकर जमा दिए जा रहे थे। तो मैंने बोला था नदियों के द्वारा जब जमाया जा रहा है वो आपका लैकस्ट्राइन है। ठीक है, ग्रेविटी के द्वारा जो जम जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के द्वारा जो जम जा रहा है वो आपका कोलुवियल है। देन यहाँ पे ग्लेशियल है, ग्लेशियर के द्वारा जमने वाला एओलिन, हवा में आते हैं आपके सिल्ट के कारण। देन एलुवियल आपका कौन सा है, जो नदियों के किनारे जमा हुआ है वो भी एलुवियल ही है, वो आपका एलुवियल ही है। और एलुवियल मृदाएं भी आपके नदियों के किनारे वाली ही मृदाएं होती हैं, जैसे कि गंगा नदी का जो भी मैदानी क्षेत्र वो सारा का सारा आपका एलुवियल सॉइल से भरा हुआ। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जो मैंने अभी तक आपको क्लास में बोला, यदि आपने बिल्कुल ईमानदारी से मेरी क्लासेस ली हैं, ईमानदारी से आप मेरी क्लासेस को पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और यूपी पीजीटी का एग्जाम पेपर भी आपका अच्छा गया होगा। हाँ अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा तो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो रिलेट आप कभी ना कहीं करना कि हाँ यार ये पीजीटी में पूछा गया था, ये सर ने आज पढ़ा दिया, इसलिए इसका एनालिसिस मैं कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो बात करें, आप लोग भाई खुद क्वेश्चन पढ़कर आंसर आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा लोग तो है नहीं और अपने को 125 क्वेश्चन के समथिंग सॉल्व कराना है, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट जो है चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टेम एबव द ग्राउंड इन बनाना। तो वही जो ग्राउंड होता है, जब ग्राफ्टिंग टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राफ्टिंग टेक्निक मैं याद भी कराते जा रहा हूँ मैंने कब पढ़ाया, और यदि आपको विश्वास ना हो तो ग्राफ्टिंग टेक्निक ये आपका जनरल एग्रीकल्चर में ग्राफ्टिंग टेक्निक पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। तो ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, क्या है, सीडो स्टेम वगैरह, वहां पे मैंने एक बार इसकी चर्चा की हुई थी। वंडरफुल गेमिंग जी सी नहीं होगा, ना ना ना, वंडरफुल गेमिंग सी नहीं होगा बेटा। ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, जो ग्राउंड के ऊपर स्टेम पाया जाता है ना बनाना का, उसको सीडो स्टेम कहते हैं, उसको सीडो स्टेम कहते हैं, क्योंकि वो स्टेम होता नहीं है, वास्तविक स्टेम नहीं होता, वो आपका सीडो स्टेम होता है। बिल्कुल, आगे चलें, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, और जो बच्चे मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं पैथो एंटमो और उसका, तो उन्होंने यदि पीजीटी दिया होगा तो उन्हें तो फिर मजा आ गया होगा, क्योंकि जो मेरी 2000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ थी जो मैंने शायद 149 रुपीज में सभी को अवेलेबल कराई थी, मोस्टली क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 82, ये मान लीजिए 82-90% क्वेश्चन मात्र उस 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ में से आए हुए, तो बहुत इजी पेपर था। लूज स्मट डिसीज पूछा जा रहा है व्हीट में, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है हमारा अस्टिलागो न्यूडा। अब ये जो निवोसिया इंडिका है ये है हमारे करनाल बंट का, ये किसका भैया, करनाल बंट का, ठीक है। पक्सीनिया स्पीसीज, पक्सीनिया स्पीसीज से होता है रस्ट, ये है रस्ट का। अस्ट्रीलागो न्यूडा यहाँ पर हो गया हमारे लूज स्मट का, और ये जो इरिसाइफी ग्रेमिनिस है इससे आपके होते हैं, इरिसाइफी से आपके इरिसाइफी पॉलीगोनी वगैरह से, इसमें बाजरे के रोग यहाँ पर होते हैं आपके इरिसाइफी ग्रेमिनिस से। तो अल्टीमेट मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, बट ये तीनों का जो है मैंने यहाँ पे बता दिया, तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या है, अब जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसको मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या होगा, यहाँ पर मैं उसका आंसर आपका बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रूट्स हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेंट इज। अब राइबोफ्लेविन कंटेंट की हम बात करें तो देखो, आपने ना नेमरा सुन्ना में पढ़ रखा होगा, उसमें ना एक चार्ट दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपको राइबोफ्लेविन भी दिया हुआ है, साथ ही साथ में वहां पे B2 भी लिखा होता है, हाईएस्ट B2 कंटेंट लिखा रहता है। तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है, किसका, विटामिन B2 का नाम है, और विटामिन B2 इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है बेल में, विटामिन B2 इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है बेल में। अच्छा प्रगति, वो पाउडरी मिल्ड्यू का ही है, ठीक है ठीक है, मेरे दिमाग में पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू के समथिंग आ रहा था, तो पाउडरी मिल्ड्यू का एरिसाइपी है, ओके, इसका सही आंसर होगा बेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें तो 6 क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए जरा, जो एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म है वो सबसे पहले कहां पर कॉइन किया गया। क्वेश्चन को समझिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन आपके मेनली पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत कहां से हुई, एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई, तब आंसर जाता है बेटा यूएसए। लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म कहां पर कॉइन हुआ और सबसे पहले कहां पर कॉइन हुआ, तो आंसर जाता है यूके, तब आंसर जाता है यूके। सिस्टम की शुरुआत यूएसए, टर्म का पूछे शब्द कहां पे दिया गया, यूके, शब्द कहां पे दिया गया, यूके। आगे चलें, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा क्या बोल रहा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है, अपवर्तन गुणांक यहाँ पर बताना है, किसका, काउ मिल्क का। सभी मिल्क का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसकी एक टेबल दी हुई होती है, एनिमल हस्बेंड्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.344 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स जो है वो आना बंद हो गए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग आ गए, सौरभ सिंह आ चुके हैं, अच्छा 10 लोग देख रहे हैं, चलो बढ़िया। मुझे लग रहा था कि आप लोग उठोगे नहीं, ये ठीक है, कम से कम हमने क्लास रखी हुई है तो आप लोगों को आना बनता ही है, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, एक नंबर है। चलते हैं तो आगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिन्होंने भी पीजीटी दिया हुआ है आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, आप उनसे पेपर मंगा सकते हैं। यही पेपर है, मैंने रात में बैठ के यहाँ पे टाइप किया हुआ है भाई। एक्ट ऑफ पार्ट्रिशन इन सीप, यानी कि सीप में जो बच्चे देने की प्रक्रिया होती है, जो बच्चे देने की प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है? यहाँ पे जो किडिंग है, फिर लैम्बिंग है, ठीक है, फिर टपिंग है और फिर आपका फेरोइंग है। तो यहाँ पे बच्चे देने की क्रिया जो शीप में है वो कहलाती है आपके ऑप्शन नंबर सी टपिंग। क्या कहलाती है? टपिंग। लैम तो जो भेड़ का बच्चा होता है उसे कहा जाता है। किडिंग जो होती है वो गोट में कहलाती है, ठीक है। फेरोइंग जो होती है वो आपकी पिग में होती है। बच्चे देने की ही प्रक्रिया है सारी की सारी। एनिमल हस्बेंड्री में ये सब कुछ, ये जो जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं एनिमल हस्बेंड्री से, ये मात्र एक टेबल से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक टेबल में यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा 1 से 2 पेज की, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर टपिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास मीजोफिल। अब यहाँ पर देखना, जो अपन अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड पार्ट आ गया कि मीजोफिल एंड बंडल शीथ आर फाउंड इन। अब 1 से 2 दिन और अपनी क्लास चलती तो उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड हो ही जाता। तो मीजोफिल और बंडल शीथ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें स्टेम ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट, लीव्स ऑफ प्लांट, फ्रूट ऑफ प्लांट। अब ये जो मीजोफिल और बंडल शीथ है ना, ये है हमारी एक प्रकार के सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो है। जब हम बात करते हैं C3 पौधे में तो हम कहेंगे सर C3 पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मीजोफिल कोशिकाओं में चलता है, C4 पौधों में मीजोफिल और बंडल शीथ दोनों में चलता है। तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? लीव्स में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहां पर पाया जा रहा है? लीफ में पाया जा रहा है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफ में पाया जाएगा। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ, और कंसेप्ट आपको लगाना होते हैं, इसीलिए मैं आपको वहां पर इतना समझा कर पढ़ाता हूं हमेशा, ठीक है। तो आगे चलें, आगे बात करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग्स टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। अभी मैंने आप लोगों को एंटोमोलॉजी पढ़ाई नहीं है, नहीं तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में जब भी कभी हम देखते हैं तो सिंपल वे में हम देखते हैं कि यदि किसी में फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फो देखने को मिल रहा है, तो वो अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट से होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है फॉस्फोमिडोन। मतलब यदि थोड़ा सा भी आपने 1-2 बार लेक्चर ले लोगे आप लोग मेरे सारे के सारे एग्रीकल्चर के, तो आप ऐसे एग्जाम पेपर को तो कर सकते हो, ये एग्जाम पेपर तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें। 11 पर है बंची टॉप ऑफ सुगर कैन किससे होता है, कॉज्ड बाय। भाई बताइए, बंची टॉप ऑफ सुगर कैन। यदि हम बनाना की बात करें, बंची टॉप ऑफ बनाना तो वह एक वायरल डिसीज है, लेकिन सुगर कैन में होता है आपका काइलो इन्फस कैटेलस से। सुगर कैन का एक इंसेक्ट है, जब यह उस पर अटैक करता है तो हमें वहां पर बंची टॉप जो है सुगर कैन का, वो देखने को हमें वहां पर मिलता है। लाडला जी भी आ गए, बढ़िया भाई, बहुत सही है। जितने भी बच्चे सुबह उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यदि ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही पढ़ते रहे, तो बिल्कुल सक्सेस बहुत जल्द अपने को मिलने वाली है। एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन के लिए कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो जिम्मेदार है, यहाँ पर पूछा गया है। तो एसिड रेन के लिए मेनली आपकी 2 गैसेस जिम्मेदार होती हैं, एक होती है NO2 और एक होती है Ac2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपकी यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही जो गैसेस हैं इनके कारण एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, अम्लीय वर्षा इनके कारण होती है। मतलब इतना इजी पेपर यदि मैं कहूँ तो आपका आया हुआ है, इसका कोई ज़्यादा टफ पेपर यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल जो मेन पॉइंट हम हमेशा पढ़ते रहते हैं वहीं से क्वेश्चन बने हुए, मेन पॉइंट जो पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पढ़ते हैं वहीं से। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अब ये सब मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, बिल्कुल इसके बारे में मैं अभी क्लेम नहीं करूंगा कि अपने पढ़ाए हुए से आया हुआ है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, कौन सा होता है? तो भाई सिर्फ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि मात्र दूध में मिलेगा, वो होती है लैक्टोज। लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, लैक्टोज। और ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि मिल्क में जो हल्का मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? तो हल्का मीठापन भी आपके लैक्टोज के कारण ही होता है। तो 2-3 प्रकार से इसको इसके जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। बिल्कुल प्रगति सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करो जरा क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके मेनली बनते हैं, एक होता है अनाउंस का और एक क्वेश्चन आता है रिकमेंडेड का। एक अनाउंसमेंट का, एक रिकमेंडेशन का। तो अनाउंस की कभी भी बात आती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अनाउंस करती है, रिकमेंड करती है। CACP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। CACP कहती है कि आप एक काम कीजिए, इतना जो प्राइस है वो रखिए भाई, इतना प्राइस आप उसका रखिए, एंड गवर्नमेंट फिर डिसाइड करती है कि यार हम इतना तो नहीं दे पाएंगे, बाद में इसको दे पाएंगे, मतलब कि इतना हम दे पाएंगे, है ना। अनाउंस नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, प्रगति स्टेट गवर्नमेंट कभी अनाउंस नहीं करती। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पर आप गलत हो जाते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यही छोटी छोटी गलतियां हमें दोहराना नहीं है और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है भाई। प्राइमरी यूनिट यहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिटी, यानी कि एक समुदाय है, बहुत बड़ा समुदाय है, उसकी प्राइमरी यूनिट क्या होगी समुदाय की, तो वो होती है हमारी इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत ही एक समुदाय की प्राइमरी यूनिट होती है। फिर चलें आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। प्रिंसिपल यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करते करते सीखो। करते करते सीखो का मतलब यह है कि जब भी कभी एक एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा किसी भी हम कहें प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है, किसी भी गांव पे जाके वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहा है, फिर गांव वालों से कुछ सीखता भी है, और हम कहते भी हैं कि ये आपके दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनल आपका एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, कि हम भी उन्हें सिखाते हैं वो भी हमें सिखाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए लर्निंग बाय डूइंग। अभी आपका एक्सटेंशन का प्रिंसिपल है, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल है। आगे चलकर आपको इसका एक और क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो एग्मार्क का लोगो है वो भैया किसे डिनोट करता है, तो हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल के प्रोजेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए एगमार्क लेना जरूरी। जैसे ISI होता है, वो भी एक गुणवत्ता का मानक है ना, हम कहते हैं यार ISI लेवल लगाना चाहिए, इसके लिए भी बहुत प्रचार चला था पहले। तो ऐसे ही एगमार्क जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क है, दिया जाता है, लोगो है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो, ये वाला जो डेटा जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस में, मैंने 4 क्लासेस में आपको पढ़ाया, वहां से देखो सिंपल सा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट किस में है। अब यदि आपको पूरे के पूरे प्रोटीन कंटेंट याद है तो आप आसानी से लगा देंगे सर सोयाबीन है, ये तो आंखें बंद करके लगा दोगे 42%, इतना किसी में सोयाबीन है ही नहीं। लेकिन यदि इसकी जगह और कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो वहां से आपका रेज होता, वहां से आपका ये जो है रेज हो जाता। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द इनहेरेंट सॉइल प्रॉपर्टी, अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। अब इनहेरेंट सॉइल प्रॉपर्टी जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वो क्या कहलाती है, जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई काम करने का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का जो है काम करती है, तो वो होती है आपकी सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा। जो सॉइल फर्टिलिटी है, इसको कभी भी इसका क्वेश्चन आ जाए हमेशा आपको यहाँ पे इनहेरेंट कैपेसिटी जरूर देखने को मिलेगा। तो ये होती है हमारी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर यहाँ पे सही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरोसेंस यानी कि पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। कॉलीफ्लावर के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, तो आप यदि देखोगे तो कॉलीफ्लावर का जो पुष्प क्रम है, कैटकिन तो आपका भाई यहाँ पे है नहीं, ठीक है। कॉलीफ्लावर का पुष्प क्रम होता है साइम, क्या होता है साइम। अब साइम तो है नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या चला जाएगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या चला जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। कर्ड देखो, कर्ड जो है, कर्ड उसका हम कह सकते हैं आपका पुष्प क्रम नहीं है। प्रगति कर्ड जो है, प्रदीप भी कर्ड बोल रहे हैं, उसका इन्फ्लोरोसेंस कर्ड नहीं है। वंडरफुल गेमिंग जी 30 20 का ए नहीं, जो कैटकिन है ना, कैटकिन ये है कैबेज का, कैटकिन जो इन्फ्लोरोसेंस है कैबेज का है। यहाँ पे पूछा गया है कॉलीफ्लावर का साइम। कर्ड जो लोग बोल रहे हैं, कर्ड हम उसके फ्रूट को कहते हैं, कर्ड हम उसके फ्रूट को कहते हैं। फ्रूट और इन्फ्लोरोसेंस ये आपके दोनों ही अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रूट और इन्फ्लोरोसेंस आपके दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो इसका नन ऑफ दिस आंसर जाना चाहिए, बिकॉज इसके इन्फ्लोरोसेंस को साइम बोला जाता है। अब वो हो सकता है किसी अदर बेसिस पर भाई यहाँ पे आंसर ले लिया जाए, उसका कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पर यदि और कुछ आंसर आता है तो अपन क्लेम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 21 है तो फॉर द प्रिजर्वेटिव, इतने सिंपल क्वेश्चन थे यार, अब मैं क्या बताऊं आपको। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आंवला जूस, अब आंवला जूस है भाई, और कभी भी हम किसी कोई भी लिक्विड हो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट यदि लिक्विड का हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो ठीक है। पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट को हम शॉर्ट फॉर्म में KMS भी कहते हैं, KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। तो ये हो जाएगा हमारा आंवला जूस, क्योंकि लिक्विड है और लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं प्रिजर्वेशन। जब मैं आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ाऊंगा तो वहां सिंपल वे में आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चलो इन तक अभी हम पहुंचे नहीं है, बट एक दो दिन क्लासेस और चलती तो अपन सारे क्वेश्चन तक पहुंच भी जाते, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई वह कौन सा प्रकार है आपके जल क्षरण का, वाटर इरोजन का, जिसे हम सोयल फर्टिलिटी इरोजन के नाम से भी जानते हैं। तो सोयल फर्टिलिटी इरोजन आपका जो वाटर इरोजन है वो होता है शीट इरोजन। वाटर इरोजन की 4 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी? स्प्लैश, ध्यान से देखिएगा, स्प्लैश, फिर उसके बाद में होता है शीट, फिर होता है रिल, और फिर होता है गली। स्प्लैश, शीट, रिल, गली, ये 4 आपकी स्टेजेस होती हैं वाटर इरोजन की। तो इनमें से सेकेंड स्टेज है शीट इरोजन, उसे हम सोइल फर्टिलिटी इरोजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डेपोग मेथड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कि जो डेपोग मेथड है वह है आपकी राइस से रिलेटेड है, लेकिन ये किस कंट्री में इसका विकास हुआ? एकदम सिंपल है यार, किस कंट्री में विकास हुआ इसका? फिलीपींस में विकास हुआ था। क्योंकि यदि हम सिंपल वे में एक कॉन्सेप्ट भी लगाए हैं, जो हमारा पहले इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पे था? मनीला फिलीपींस में था, तो यहीं पर इसका विकास किया गया, यहीं पर इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फिलीपींस हो जाएगा। हाँ गौरशरण बाल जी बिल्कुल, स्प्लैश, शीट, रेल, गली आपका यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर फिलीपींस हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। ये सारा का सारा पेपर बेटा पीजीटी का है, जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं नए, उनको बता दूं मैं, कल जो एग्जाम हुआ है वो ऐसा एग्जाम आया था, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक सही वे में पढ़ रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री या पेड से मतलब नहीं है, जो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लेना, इस क्लास को इतने बढ़िया से देखना, फिर जब तक मेरी क्लासेस चलेंगी ना, हर टाइम आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा कि हाँ यार ये भी पीजीटी में आया था, वो भी पीजीटी में। 24 का बी, अच्छा बिल्कुल सही है भाई। जो टेट्राजोलियम है टेस्ट वो हम करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं सीड की वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, सीड जिंदा है या नहीं, जर्मिनेशन को, वायबिलिटी को हम वहां पर टेस्ट करते हैं। तो यह है किसकी एक्टिविटी को मेजर करता है? जो टेट्राजोलियम होता है वह आखिर किसकी एक्टिविटी को मेजर करता है? तो वह मेजर करता है डिहाइड्रोजिनेज, जो एक एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को वहां पर मेजरमेंट किया जाता है, और इसी की उपस्थिति के कारण जो आपके सीड होते हैं उसमें टेस्ट संभव हो पाता है। तो डिहाइड्रोजिनेज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, 25 क्या है हमारे पास? इन विच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पास्ड। अब एगमार्क किसके लिए था? एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए। एगमार्क एक्ट कब बना? तो एगमार्क एक्ट बना था 1937 में, 1937 में एगमार्क एक्ट बना था, तो इसकी डेट पूछी हुई है, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट। अब एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट की हम यहाँ पर बात करें तो पाइनएप्पल फ्रूट का जो हम एडिबल पार्ट होता है वो होता है ब्रेड्स। क्या होता है? पाइनएप्पल फ्रूट का हम खाते हैं ब्रेड्स। लेकिन देखो यहाँ पे पेरिकार्प दिया हुआ है, तो पेरिकार्प नहीं होगा, मेसोकार्प दिया हुआ है नहीं होगा, फ्लैसी थैलेमस भी नहीं होगा, फ्लैसी एरल भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हो सकता है डिलीट हो जाए, क्योंकि इसका सही आंसर तो ब्रेड्स होना था। अब यदि एग्जामिनर यदि इनमें से कोई ले लेता है तो फिर अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, यदि अपन इस पर एक क्लेम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज पाइनएप्पल फ्रूट का जो खाने वाला भाग है वो सर ब्रैक्ट्स है, पेरिकार्प, मेसोकार्प ये सब तो यहाँ पर हम खा नहीं सकते हैं। थैलेमस हमारा एप्पल वगैरह का ये सब होता है। तो फ्लैसी एरल जो होते हैं वो हमारे नींबू, सिट्रस वगैरह के हम खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई आंसर सही होगा। ब्रैक्ट एंड पेरियंथ, ब्रैक्ट एंड पेरियंथ है 26 का, बट अब यहाँ पे तो कोई मैच कर नहीं रहा गुरशरण, तो क्या करें, हटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करें। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज। पहली संकर मेज की कौन सी थी? भाई पहली जो संकर किस्म थी, जब हम मेज पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा, गंगा एक पहली संकर किस्म की थी। और ये जो प्रकाश है, प्रोटीना है, विवेक है, ये इसकी कंपोजिट वेराइटी। मेज में कंपोजिट वेराइटी और हाइब्रिड वैरायटी दोनों ही पहले बनाई गई हैं। तो ये आपकी पहली संकर किस्म गंगा एक 1961 में इसको बनाया गया, ठीक है, 1961। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है जरा देखो, 1 सेकेंड। Which type of seeds are generally used by farmers? Farmers के द्वारा कौन से सीड यूज किए जाते हैं? मैंने कभी यदि आप लोगों को समझाया हो, जब मैं सीड्स की बात करता हूँ, NSC वगैरह की बात कर रहा था कि वो फाउंडेशन सीड को ग्रो करती है, उसके बाद में सर्टिफाइड सीड को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है फाउंडेशन का, तो सर्टिफाइड बना जाता है और वो सही वही सर्टिफाइड फार्मर्स को दिया जाता है। ये मैं जब आपको NSC का डेट आया था तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो कौन सा सीड यूज किया जाता है? सर्टिफाइड सीड फार्मर के द्वारा यूज किया जाता है। इनमें से कोई भी बाकी सीड डायरेक्टली फार्मर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता। ये सीड टेक का पार्ट है। अब ये देखो, ये यहाँ से सीड टेक का पार्ट है। मैं आपको सब्जेक्ट तो बताना भूल ही रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए कौन से pH पर जो है प्लांट की बेटर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, कौन से pH पर। तो यदि हम बात करें सर न्यूट्रल से, यानी कि स्लाइटली एसिडिक से यदि स्लाइटली आपका एल्कलाइन हो जाए तो वो बेस्ट आपका pH होता है। तो बेस्ट pH 6.5 से 7.5, 7 हमारा न्यूट्रल हो गया, 0.5 इधर आ जाओ, 0.5 उधर चले जाओ, यही बेस्ट pH होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। बाकी फिर अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग हैबिट होती है, वो एक अलग बात है, बट ये बेस्ट pH है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास डिहॉर्निंग। अब यहाँ से थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री आता है। देखो एनिमल हस्बेंड्री है ये अपना, जब काफ होता है हमारा, जो हम कहें कि जो काऊ होती है उसका जो बछड़ा होता है उसकी डिहॉर्निंग करना है। डिहॉर्निंग मतलब कि सींग रोधन। सींग रोधन मतलब सींगों को हम बढ़ने से रोक देंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसका जो भी एनर्जी होगा वो और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। तो कितनी उम्र पर करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही वह 10 दिन का होता है, काफ बछड़ा 10 दिन का होता है, उसकी डिहॉर्निंग कर दी जाती है। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 10 डेज। बहुत अच्छे गुरशरण, सौरभ सिंह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला बताइए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। अब जब अपन फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। अब मैं आपसे देखो, जैसे सोयल साइंस में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, सोयल साइंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी मिनरल्स के बारे में। तो जब यहाँ पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछ सकता है तो अगले एग्जाम में किसी भी स्टेट के में, किसी भी सेंट्रल में आपसे मिनरल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। मतलब हमें पढ़ना सब कुछ है, सिर्फ इतना सा मैं आप लोगों को बार बार बताना चाह रहा हूँ। अब ये आपका फर्टिलाइजर से आया, मतलब सोयल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर देखो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब यदि आपके पास सिंपल वे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यदि आप थोड़ा सा भी जानते हैं, आप बोलोगे सर ये जो NO3 है, यदि आपने HNO3 पढ़ा हो तो HNO3 से आपको इतना तो पता चल गया कि सर हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन होता है तो NO3 के ऊपर आपका एक नेगेटिव आयन होता है, तभी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अब जरा यहाँ पर देखो, कैल्शियम के ऊपर थोड़ा सा आपको पता है तो 2+ के आयन होते हैं। अमोनियम हो गया आपका यहाँ पे 1+ आयन होता है, तो पूरे प्लस आयन कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे? 3 हो रहे हैं। अब जरा यहाँ पर देखो कि 3 यहाँ पर हो रहे हैं तो यह कितने, जो ये जो नाइट्रेट हैं आपके, ये कितने हो रहे हैं? 3। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो सही फॉर्मूला मेरे हिसाब से बनेगा, यहाँ पर इसके जो NO3 अपने जुड़ेंगे तो एक अमोनियम के साथ आपका NO3 जुड़ेगा और एक कैल्शियम के साथ आपका अमोनियम, क्योंकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी सही होगा। हालांकि ये जो CaNH4 है ये भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल रहा है। तीन जो है नाइट्रेट के यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन इसमें नाइट्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो ही होते हैं, नाइट्रेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो ही होते हैं। बिल्कुल डी सही है, बहुत सारे बच्चे डी भी इसका आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इज एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि हम जनरली वे में यदि सामान्यतः बुआई की जाती है किसानों के द्वारा, या फिर हम लोकलाइज्ड वे में बात करें तो मोस्टली फार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, सीड्रिल में ही फर्टिलाइजर को दिया जाता है। तो सीड्रिल में जब देते हैं ना तो प्लाउ सोल प्लेसमेंट वो होता है, यानी कि जो भी आपका हल है उसी के साथ में आप उसकी प्लेसमेंट करते जाते हो, सीड के साथ ही उसकी प्लेसमेंट होती जाती है। डीप प्लेसमेंट पहले एप्लीकेशन ये नहीं होता। लोकलाइज मतलब कि सिंपल वे में फार्मर के द्वारा कौन सा ये जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन मेथड है वो की जाती है। 33 क्या है क्वेश्चन, जरा देखो। फालसा इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड। फालसा को किससे प्रोपेगेटेड करते हैं, ये आपका हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे फालसा को प्रोपेगेट किया जाता है सीड से, फालसा को प्रोपेगेट किया जाता है सीड से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलाइंग रॉक्स इज नोन एज। अब देखो यहाँ पर बात को जरा समझना, मैंने आपको जब सोलम और रिगोलेट पढ़ाया हुआ है सॉइल साइंस में, अब यहाँ पर अपनी क्लास वाला क्वेश्चन आता है ना कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, 33 का भी, हाँ ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो रॉक्स के ऊपर होता है, ओवरलाइंग होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको हर बार बताया, इतनी बार बताया कि भाई रॉक्स, अपने ओरिजिन की बात की थी, ओ ए बी सी और आर, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल रॉक्स के ऊपर, बेड रॉक तो हमारी आर थी, आर के ऊपर कौन है, सी बी और ए, अरे आर के ऊपर कौन है, सी बी और ए। और रिगोलिथ का पार्ट कैसे बनता है, सोलम होता है, सेप्रोलाइट होता है, सब हमने देख रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिगोलिथ। इसका आंसर क्या आएगा, रिगोलिथ। यदि अच्छे से लेक्चर देखा हुआ है तो देखो सोलम नहीं आएगा ना मुकेश कुमार जी, सोलम नहीं आएगा, रिगोलिथ आएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया भी है, रिगोलिथ जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, जाकर देख लेना बैक क्लास में। तो ऐसे क्वेश्चन रेज होंगे भैया जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 35 देखो जरा, जनरल एग्रीकल्चर की क्लास में बताया था कि सीडीपी कब आया, तो सीडीपी कब आया था 1950, यहाँ पे 33 दो बार हो गया है, यहाँ पे 2 होगा है ना, 2 है, 1952 है ये, 33 नहीं होगा, 1952। तो 1952 में आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट आया था, तो ये हमने बात की थी। अब देखो मतलब सिर्फ अपन ने अभी इतनी क्लास ली है, वहां से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो तो 1935 में हुई थी, लेकिन इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हो गया था। और अदर बैंकों का भी इसमें क्वेश्चन है, बैंक से ही आपके 2 क्वेश्चन आ गए। प्रगति ये बता रहे हो इसका एक राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है, स्थापना की बात नहीं हो रही। प्रगति क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, स्थापना की बात नहीं हो रही, एस्टेब्लिश कब हुआ वो आपका बिल्कुल सही है 1935, बट राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करो। तो पीट जो होती है मृदाएं वो आखिरकार कैसे कैरेक्टर में होती है, तो पीट जो मृदाएं होती हैं, हमें पीट मृदा के बारे में एक बात पता है सर, ये हाईली एसिडिक होती है। यदि कोई भी बच्चा है, पीट मृदाएं जो है वो हाईली एसिडिक होती हैं। तो यहां पर देखो 2 ऑप्शन आपको एसिडिक वाले दिख रहे हैं सर, ये है और ये है, और इनमें एसिडिक नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो गए। अब बचे कौन से, ए और बी। अब यदि आपको थोड़ा सा और आपने पढ़ रखा है पीट मृदाओं के बारे में, तो उनका कलर भी आपका ब्लैक होता है, ठीक है, तो ब्लैक हैवी एंड एसिडिक सॉइल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम थोड़ा सा, यदि हमें कुछ भी मालूम है तो उससे भी हम एक कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बनाकर आंसर हम लगा सकते हैं। हाईली एसिडिक होती हैं, मतलब हाईली एसिडिक का मतलब 4 से भी कम इनका पीएच होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करें तो है भाई जो टाइफून सिस्टम है, टाइफून मेथड है, और ये जो टाइफून मेथड है यह है आपकी इरिगेशन की एक मेथड है अप्लाइड जब हम करते हैं किस क्रॉप में करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुगर कैन। सुगर कैन में इस मेथड का उपयोग आजकल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर होगा आपका पार्टिकल साइज क्ले का पूछ लिया। देखो अभी सोयल साइंस में आगे अपन क्ले के बारे में पढ़ेंगे, तो क्ले के पार्टिकल साइज के बारे में पूछ लिया कितना होता है, लेस देन 0.002 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लेस देन 0.002। और भी अपन सैंड सिल्ट और इन सभी के पार्टिकल के साइज भी पढ़ने वाले हैं आगे चलकर, तो ये वहां पर आंसर आ गया। बहुत सिंपल पेपर था। अब आप लोगों में से कितने दिया है जरा मुझे ये बता दीजिएगा, कितने लोगों ने दिया है मुझे ये बता देना। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का क्या होगा जरा देखो, गॉट के बारे में दिया हुआ भी है कुछ। हाँ, यहाँ पर बोला गया कि गॉट पॉपुलरली नोन एज जर्सी ऑफ गॉट ब्रीड। भाई बकरी की ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि बकरियों की जर्सी कहलाती है, बकरियों की जर्सी कहलाती है यहाँ पर आपकी न्यूबियन। कौन सी? न्यूबियन। ठीक है, न्यूबियन यहाँ पर होगा आपकी बकरियों की जर्सी कहलाती है न्यूबियन। खानियन को दूध की रानी कहते हैं, अंगोरा है, अल्पाइन है, सारी की सारी गॉट की ब्रीड है ना। एंग्लो न्यूबियन, बिल्कुल एंग्लो न्यूबियन आप उसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स। अब देखो जो एड होते हैं, एड तो देखे ही होंगे ना सभी ने, अपन जैसे कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े बैनर हमें रोड के किनारे साइड में देखने को मिलते हैं एड के, या फिर एड के लिए संपर्क करें, या फिर वहाँ पर कोई सा एक नया सीरियल आने वाला होता है तो वहाँ पर लगा देते हैं कि 15 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। तो वो एड आखिर क्या है? तो देखो यहाँ पे पपेट शो है, स्लाइड्स है, ड्रामा है, टैकिंग डॉल है। तो आप देख सकते हैं जो स्लाइड्स होती हैं उन्हें हम जनरली एड में काउंट करते हैं, स्लाइड्स को, है ना। वो स्लाइड ही होती है जो अपन पपेट शो तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कठपुतलियाँ वगैरह कराते हैं, तो वो आपका एड में नहीं आएगा, है ना। देन जो स्लाइड्स होती हैं वो आपकी एड के अंतर्गत आएंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड। कौन बोल रहा है यहाँ पे वंडरफुल गेमिंग ए क्यों होगा 41? गौरशरण ए नहीं होगा। प्रगति ऑडियो एंड विजुअल एड, पपेट शो, वो ऑडियो एंड विजुअल की बात की जा रही है ना, ऑडियो एंड विजुअल यहाँ पे नहीं बोला गया ना, यहाँ पे सिर्फ ओनली एड का बोला गया, सिर्फ ओनली एड्स का बोला गया। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बात करें तो रानीखेत क्या है? रानीखेत ये एक मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, और रानीखेत आपकी वायरस के कारण होती है, तो यह एक वायरल डिसीज है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए कि एग्जाम पेपर आया कैसा है। यदि हम सब कुछ पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस एग्जाम को क्रैक करने की। टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट इज, फाउंड इन इंसेक्ट इज तो नहीं था जहां तक मेरे हिसाब से मुझे याद है, किसी इंसेक्ट का था जहाँ तक पायरेला या फिर कुछ इसका पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कौन से इंसेक्ट का है। चलो ठीक है, अब इसकी कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पर कोई भी एक इंसेक्ट हो तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर माउथ पार्ट्स देखते। वन सेकेंड, मैंने मेरे मोबाइल में जो है एग्ज़ाम पेपर है तो उसे अपन देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लें तो बेटर रहेगा। ऑल फाउंड, पता नहीं कौन ऑल फाउंड बोल रहे हैं भैया जी, आ गया। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैंने क्या 43, तो 43 में टाइप्स ऑफ पायरेला, हाँ पायरेला ही है। तो पायरेला में किस प्रकार के मुखांग जो है हमें देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चूसने और चुभाने वाले, चूसने व चुभाने वाले मुखांग पायरेला में हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी मैंने क्या कम सिलेबस कराया हुआ है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ, बट जैसे जैसे सिलेबस हो जाएगा तब खुद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले इंडिया में कौन सा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया गया था? सबसे पहली बार इंडिया में कौन सा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट। एसएसपी को सबसे पहले भारत में बनाया गया, एसएसपी को भारत में सबसे पहले बनाया गया था, बात यह है, ठीक है। एसएसपी ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में एसएसपी सबसे पहले भारत में बना, हमारे इंडिया में बनने वाला एसएसपी था, सिंगल सुपर फास्फेट था। मुकेश कुमार फर्स्ट नहीं होगा, यूरिया नहीं बनाया गया, एसएसपी इसका सही आंसर है, एसएसपी सही है मुकेश जी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 45 है फूट एंड माउथ डिसीज। ये फिर से देखो एनिमल हस्बेंड्री बहुत पूछी गई है। एफएमडी डिसीज किससे होता है, तो एफएमडी डिसीज भी आपका वायरस से होने वाला रोग है, ये भी आपका वायरस से होने वाला ही रोग है। क्वेश्चन नंबर 46, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का आर्ट क्या है, कम्युनिकेशन की कला क्या है, तो कम्युनिकेशन से हम यहाँ पर सीखते हैं भैया। कम्युनिकेशन कोई भी हो, संचार का माध्यम कुछ भी हो, उससे हमें सीखने को मिलता है, कोई फील वील नहीं आता, ना ही हम सुनते हैं उसे कम्युनिकेशन को, ठीक है, और सोते तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखो ना ऑप्शन कैसे, क्या फीलिंग आती है कम्युनिकेशन से, लिसनिंग होती है, स्लीपिंग होती है, अरे भाई लर्निंग होती है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन भी आप देखोगे तो बड़े टेढ़े टाइप के ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने पूछे हुए हैं। 47 में है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है राइप मैंगो फ्रूट की वह कितनी होती है, ये लगभग होती है आपकी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको सोयल साइंस में पढ़ाई हुई है, लगभग 1.03 के समथिंग यहाँ पर जो है राइप मैंगो की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो मोर देन वन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोर देन वन। राइप मैंगो की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यदि हम उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूँ कि उसका हम वेट निकालेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उससे, तो वो आपकी किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। 1.02 टू 1.03 रहती है, तो मोर देन वन इसका सही आंसर होगा गुरशरण। क्वेश्चन नंबर 48 है बिटर टेस्ट हमारा किसके कारण, किसमें, ब्रिंजल में किसके कारण होता है। अब देखो पूछा क्या है, ब्रिंजल। अब यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे सोलेसोडीन है, एंथोसाइनिन है, फिनॉल है, नन ऑफ दीज है, तो ब्रिंजल की फैमिली क्या है, ब्रिंजल की फैमिली क्या है, सोलेनेसी। अब जब ब्रिंजल की फैमिली सोलेनेसी है तो यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली से ही बना है एक केमिकल, और वो केमिकल कौन सा है हमारा, सोलेसोडीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसके कारण ब्रिंजल में हमें एक कड़वा टेस्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 है न्यूट्रिएंट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन, यहाँ पे पी लिखना मैं भूल गया हूँ, हाइटेक नहीं है, फाइटिक एंड फाइटिन। तो फाइटिक और फाइटिन के फॉर्म में हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होता है सीड में, इसमें सीड में, उसे हम, तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो फाइटिक और फाइटिन के फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारा फॉस्फोरस। सीड में हमें फाइटेक फॉर्म में मिलेगा, फाइटिन फॉर्म में मिलेगा, वो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद में आता है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भैया कौन सा इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो P2O5 का गुणा 1.4 में करते हैं तो क्या फॉस्फोरस निकाला जा सकता है। जब कभी भी हम न्यूट्रिएंट की मात्रा की बात करते हैं तो वहां पर हमें जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मिल जाता है आपका N2O में, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस आपको लिखा मिल जाएगा PTO5 में, देन पोटास है तो पोटास आपको मिल जाएगा K2O के फॉर्म में। अब क्या होता है, जैसे P2O5 से हमें P को कन्वर्ट करना है तो P2O5, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से फैक्टर का गुणा किया जाए जिससे कि हम P निकाल सकें, तो फॉस्फोरस से P2O5 बनाने के लिए हम करते हैं 2.29 का गुणा P2O5। अब P2O5 में किसका गुणा करें, तो ये जो 2.29 है ये आपके इस तरफ आएगा तो 1 अपॉन 2.29 हो जाएगा, तो 1 अपॉन जब 2.29 हम करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0.43। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा, मतलब P2O5 में यदि आप 0.43 का गुणा करेंगे तो फॉस्फोरस निकल आएगा। यदि फॉस्फोरस दिया हुआ है और P2O5 चाहिए तो यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा 2.29 का। ये मैं सब आगे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, अभी बिल्कुल मैंने ये नहीं पढ़ाया हुआ है, बट पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करें, एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका। अब ये देखो जो बताया था ना उस दिन, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, बोला भी था इनके परसेंटेज रट लेना। ऑक्सीजन था 46, ये था 27, तो आपका यहाँ पर देखो सिलिका का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 27%। उसी दिन बताया इस टेबल से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन देखने को मिल रहा। मतलब सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी जो है वो बनाए रहिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है किसी भी एग्जाम में, चाहे फिर वो IBPS AF हो या कुछ भी हो। यहाँ पर आप देखोगे तो कौन से सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में जो एकोमोडेट है 81% अधिक पौधे, 81% अधिक पौधे आपके स्क्वायर सिस्टम से रोपे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगभग 85% अधिक पौधे, 81 तो नहीं, 85% जो अधिक पौधे हैं वो क्विकन्स सिस्टम में आपके लगाए जाते हैं। क्विकन्स इसका सही आंसर होना चाहिए। तो 81% यानी लगभग हम कहते हैं डबल पौधे ही क्विकन्स में लग जाते हैं, तो 81% है या 85 है तो वो भी आपका क्विकन्स में ही आएगा। इसका सही आंसर होगा क्विकन्स मेथड, क्विकन्स सिस्टम। ठीक है, पंचवर्गीय क्विकन्स में क्या होता है, इसमें एक पूरक पौधा आ जाता है, चार पौधे चार कोने पर हैं, ये तो आपका स्क्वायर हो, और एक बीच में भी पौधा हम लगाते हैं, एक बीच में भी प्लांट आपका जाता है, ये होता है क्विकन्स मेथड। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 है बेस्ट टाइम बताइए कास्ट्रेशन का काफ में, जो कास्ट्रेशन किया जाता है जिसे हम हिंदी में बधियाकरण भी बोलते हैं, तो काफ में कास्ट्रेशन का बेस्ट टाइम आप बताइए। तो इसका सही जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 वीक ओल्ड, यानी 8 वीक की हम बात करें तो 2 महीने, तो 2 से 2.5 मंथ की यदि हम बात करें तो 2 से ढाई महीने पर हमें कास्ट्रेशन कर देना चाहिए काफ का। काफ क्या है, ये जब आपके हम बात करेंगे काऊ वगैरह की तो उनके बछड़े जो होते हैं उन्हें काफ बोला जाता है। ये एक टेबल के फॉर्म में हम एनिमल हस्बेंड्री में बात करेंगे तो उसके बेसिस पर देखें। चलो ठीक है, सौरभ सिंह अर्गा बेरा। क्वेश्चन नंबर 54, जब आपका MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मतलब बड़ा है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, तो तब बताइए एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा। जब आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, हम एक इसमें प्रोडक्शन फंक्शन कर्व देखते हैं इस प्रकार का इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ से कहानी उसकी चलती है और इस प्रकार से चलती हुई इस तरफ निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 रीजन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रोडक्शन के, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब आपका MPP यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 में फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। तो चलो ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जो अपन ने पढ़ रखा है ना क्लाइमेट, वहां से क्वेश्चन ये आया हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, टेम्परेचर भैया कम होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, नो चेंज इन टेम्परेचर एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज एंड नन ऑफ दीज। अब ये बताओ कि टेम्परेचर आपका जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, सिंपल वे में बात चल रही है यहाँ पे किसी स्तर को लेकर बात नहीं की हुई है, किसी भी स्फीयर को लेकर बात नहीं की कि ड्रोपो में, स्ट्रेटो में, मीजो में या फिर किसी भी स्फीयर में। यहाँ पर सिंपल वे में जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यदि आपने देखा हो डायग्राम, अपन ने एक ग्राफ की चर्चा की थी इस तरीके से, तो यहाँ पर अपन ने जो स्ट्रेटो, ट्रोपो और ये सब बना रखे थे, यहाँ पर टेम्परेचर की लाइन इस तरीके से गई थी। तो पहले क्या होता है, पहले तो आपका घटते ही, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सर टेम्परेचर जो है वो कम होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर आपका कम होता है। अरे वही तो लैप्स रेट है, आगे लैप्स रेट का भी क्वेश्चन आने वाला है। देखो तो ये क्लाइमेट से एक क्वेश्चन फंसा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, सीड रेट आपकी कंपोजिट मेज की क्या होती है, तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है भाई, कंपोजिट मेज की सीड रेट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कंपोजिट मेज की सीड रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रूनिंग इन बेर, भाई बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, बेर में जो क्रंतन है वो कब किया जाएगा, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से जहां तक है बेर में प्रूनिंग का इसका भाई मुझे जहां तक ध्यान है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। बाकी आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए जरा एक बार बता दीजिए, क्योंकि माइंड से जो है मेरे निकल रहा है, मैंने सारे आंसर देख रखे थे। डी ड्यूरिंग समर सीजन है ना, चलिए इसको अपन देख लेंगे। डी है सभी, माका लाडला, अग्रहा, बेराजी डी है, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं ना, राहुल पाटीदार ने डी बोला, स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च। स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च ही है ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ सरन जी। प्रगति सी है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा एक, वैसे बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं और मेरे ध्यान से भी सी ही है बाकी, और एक बार चेक कर लेंगे, बाकी यदि कुछ भी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं देखिए आप तक इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुंचे, बस अपना यही एक उद्देश्य है। ओल्डर एलुवियम, जो एलुवियल सॉइल होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी और एक होती है नई। तो यहां पर पूछा जा रहा है पुरानी जो एलुवियल सॉइल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम बांगर। नई जो होती है उसे कहते हैं खादर। नई फॉर्म हुई है उसे कहते हैं खादर, पुरानी जो है उसे कहते हैं बांगर, सिंपल से। और ये जो वर्टिसॉल और आपके, अब देखो ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, वर्टिसॉल और जो एरिडिसॉल हैं ये तो अपने मृदा के गण हैं भैया, मृदा के ऑर्डर हैं। अब जरा देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ओल्डर एलुवियम सोयल की बताओ, हम तो सोयल ऑर्डर क्यों बताएंगे, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा, बचा कौन सा, खादर बांगर, तो बांगर इसका सही आंसर, बांगर इसका सही आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज, मतलब कि मेज में जो आपका परागण होता है वह किस प्रकार का, सेल्फ है, वेजिटेटिव है, क्रॉस है, नन है। भाई विख्यात यानी कि फेमस क्वेश्चन है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि मेज में आपकी पाई जाती है प्रोटेंड्री, है ना। प्रोटेंड्री मतलब कि उसमें जो एंड्रोसियम होता है, जो मेल वाला पार्ट होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है फीमेल की अपेक्षा, सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जाइलम आपका लिविंग सेल से बना होता है, जाइलम लिविंग और नॉन लिविंग सेल से बना होता है, जाइलम सिर्फ लिविंग सेल से बना होता है कि जाइलम में सेल्स होती नहीं। तो देखो जाइलम में सेल्स तो होती हैं, बिना सेल्स के तो कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, तो जाइलम जो है आपका वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही सेल से बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो तो बल्क डेंसिटी लगभग सोइल की, मोस्ट सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, जब अपन आगे चलकर बल्क डेंसिटी पढ़ने वाले हैं, तो जहाँ तक है मुझे आपको पढ़ा दी है, शायद नहीं पढ़ाई हुई है, तो बल्क डेंसिटी जो होती है मोस्ट सॉइल की वो एवरेज होती है 1.65 के समथिंग, ठीक है, 1.65 के समथिंग में एवरेज यहाँ पर होती है। तो 1.65 किसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में आएगा, तो मोस्ट सॉइल की यहाँ से 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है बल्क डेंसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, इंस्ट्रूमेंट बताइए, ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इंस्ट्रूमेंट बताइए, सॉरी ये वाला नहीं पढ़ाया। सेकेंडरी टिलेज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें होगा, अब देखो यहाँ पे देसी प्लाव भी है, सेकेंडरी टिलेज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, हैरो है, डिस्क प्लाव है, देसी प्लाव, हैरो और डिस्क प्लाव। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो देसी प्लाव जो है वो मल्टीपर्पज यूज हम करते हैं उसका, जोताई के लिए, बुआई के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। तो यदि उसे हम एज अ बुआई के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आपका फिर सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा कि मोस्टली जो हैरोज होती हैं वो सेकेंडरी में आती हैं, मोस्टली जो हैरो हैं उन्हें हम सेकेंडरी में लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा बाकी सबकी अपेक्षा, ज्यादा सही आंसर हमारा बी होगा। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर वहां पर देता है, जो भी यूपीएससी एसएसबी बोर्ड है वो क्या होगा, हैरो होता है वैसे तो सेकेंडरी, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करें तो ये है सीड रेट बताइए पर्ल मिलेट का, बाजरे का सीड रेट बताओ, तो बाजरे का जो सीड रेट होता है, बीज दर होती है, वो होती है 4 से 5 किलोग्राम। देखो 80 से 100 किलोग्राम बाजरा, तो फिर यदि जिसने बीज देख रखे हैं तो वो कभी नहीं लगाएगा ये आंसर। 12 से 15 हालांकि आप जा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 4 से 5 किलोग्राम। फिर आएगा हमारा हु इज द फादर, भाई फादर पूछ रहा है किसी के, प्लांट पैथोलॉजी ऑफ इंडिया, तो प्लांट पैथोलॉजी ऑफ इंडिया के फादर हैं हमारे ईजे बटलर साहब। 65 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन आएगा राजकिरण, यह किसकी एक वैरायटी है, राजकिरण वैरायटी आपकी किसकी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बार्ले, राजकिरण वैरायटी है आपकी बार्ले की, और यह एक नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है, नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी। आप में से कितने लोगों ने दिया था, मैंने पूछा आपसे लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। बी राजकिरण वीट की वैरायटी है क्या, अच्छा ईजे बटलर वाला आप बता रहे हैं, ठीक है बी बी ओके ओके। सौरभ सिंह ए है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो पडलिंग भाई क्यों की जाती है, पडलिंग किसके लिए की जाती है? तो पडलिंग जो होता है यह की जाती है आपकी क्योंकि परकोलेशन को रोका जा सके। जब हम धान की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हम खेत की मचाई करते हैं में ट्रैक्टर में लोहे के व्हील लगाकर उसको फिर मचाते रहते हैं क्योंकि उसके जो पोर्स है ना वहां पर हम उन्हें कम कर रहे होते हैं, मतलब उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो परकोलेशन को, इसका मेन यही होता है उद्देश्य जो है वो मेन यही है कि परकोलेशन को रिड्यूस किया जाए। 67 कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है येलो रस्ट ऑफ व्हीट का। कितना मतलब सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो येलो रस्ट जो है हमारी व्हीट की वह किसके कारण होती है? आपकी यहाँ पे पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई के कारण, है ना। येलो रस्ट जो है वो आपकी पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई के कारण होती है। कुमार साहब रिटेन ऑप्टिमम सोयल मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप ये जो बोल रहे हैं सोयल मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए नहीं, वहां पे परकोलेशन मतलब ये है आपका लीचिंग, जो न्यूट्रिएंट है वो लीच के कारण नीचे ना जाए, धान की फसल में नीचे ना जाए, इसलिए वहां पर की जाती है आपकी पडलिंग। स्ट्रीफॉर्मिस है 67 का ए भाई येलो रस्ट पूछा है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको मुन्ना दवाद जी की पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई है तो आप ए बताने लगे। देखो ऐसा नहीं है, गलत बात है। पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई जो है ये हमारे ब्लैक रस्ट का है, ठीक है, ब्लैक रस्ट का है। अब यहाँ पर जो रिकॉन्डिटा आता है ये आपके ब्राउन का आता है, ठीक है। जो स्ट्रीफॉर्मिस है ये आपके येलो रस्ट का आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ तो भाई आप लोग मान लें उसे। तो ये स्ट्रीफॉर्मिस आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करें तो 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, ये वाला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है टोटल इनकमिंग रेडिएशन को। जब मैं आप लोगों को सोलर रेडिएशन पढ़ा रहा था वहां पे 4-5 इंस्ट्रूमेंट मैंने पढ़ाए थे, तो उनमें से एक ये भी था। तो टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरेनोमीटर, और बढ़िया बहुत अच्छे से हमने एक टेबल फॉर्म में भी देखा था और यहाँ पर भी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है? तो सिस्टेमिक यानी कि सर्वांगी, हाँ ठीक है, सर्वांगी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पूछ रहा है। पहली बात तो ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर है ये आपका एक प्रकार का फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, पहली बात तो इनमें से कौन सा, बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं फिर क्योंकि वो फंजीसाइड है। तो दूसरा जो मेटालैक्सिल है ये आपका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 70 पर चलें तो गोला एक किसकी किस्म है? यार बहुत फेमस क्वेश्चन है, बेर की किस्म है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बेर की किस्म है गोला। अगला क्वेश्चन है कि विंड ब्रेक जो है वो कौन सी दिशा में लगा जाते हैं? यदि मतलब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, आप यदि 2000 क्वेश्चंस की यदि पीडीएफ भी ले लेते तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ ना 90% जो क्वेश्चंस थे ना वो सारे के सारे कवर हो जाते। कौन सी डायरेक्शन में हम प्लांट करते हैं विंड ब्रेक्स को? तो हम नॉर्थ से वेस्ट, इसका सही आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में हम उन्हें प्लांट करते हैं। 72 पर चलें तो क्रेंज एनाटोमी किसमें पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी जो मीजोफिल, और जहाँ से एग्जामिनर ने मीजोफिल और बंडल शीट वाला यहाँ पे लिया हुआ है वहीं से क्रेंज एनाटोमी ले ली, तो क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है C4 प्लांट में, C4 प्लांट में। और यही क्रेंज एनाटोमी जो है ना वही मीजोफिल और बंडल शीट वाली कोशिकाओं की बात की जा रही है, मीजोफिल और बंडल शीट। और ये क्रेंज एनाटोमी होने के कारण ही C4 प्लांट जो होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है। ये सब अपन आगे चलकर अभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लो कि C4 में पाई जाती है क्रेंज एनाटोमी। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि पेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट फेमाइन? ये देखो, अब जब हमने आपको ग्रेट बंगाल फेमाइन कब आया ये मैंने बताया था, उसमें लिखा भी था कि कौन सी डिसीज के कारण हुई है और उसका मैंने आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म भी बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण जो बंगाल का अकाल पड़ा था, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, पहले भी बताया हुआ था, यहाँ पर भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 सेंट्रल एग्मार्क लैब कहां पर लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है नागपुर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नागपुर में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75 द ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर इज, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक है आपका यहां पर यूरिया। NH2CO इसका फॉर्मूला होता है, तो यही आपका एक कार्बनिक उर्वरक है, तो यूरिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाने वाली है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले कौन सा चला? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपका लगभग आपका चला हुआ है 1948 में, तो स्वतंत्रता के बाद वाला हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, बचा कौन सा? कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट, सहकारिता जो था 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, 1910 में अपने यहाँ पर चला हुआ था, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट हम इसे कहते हैं, स्वतंत्रता के पहले ये चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? मतलब कि पारंपरिक मीडिया या फिर हम यूं कहें कि सबसे पुराने लेवल का जो मीडिया होता है वो क्या है? तो उसका सही आंसर होगा आपका रामलीला, इसका सही आंसर होगा रामलीला, बिल्कुल गौरशरण जी। 1904 निकोलस सब आप लोगों को याद है। ट्रेडिशनल मतलब कि जो रेडियो हुआ, प्रिंट हुआ, टैप रिकॉर्डर हुआ, ये तो अभी बने हुए हैं, जो सबसे पहले से जो चला आ रहा रामलीला बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखो, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिलेज कहाँ से आया? मिनिमम डिलेज भाई यूएसए से आया हुआ है, तो अमेरिका से आया हुआ है मिनिमम डिलेज। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, मिनिमम डिलेज आपके अमेरिका से आया। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग? तो इसके लिए जो पॉलिनेशन के लिए, फ्रूट्स के लिए और सीड सेटिंग के लिए, सीड बनने के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है हमारा बोरॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 80, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गॉट, बकरी की भैया दुईकाजी नस्ल बताइए। तो बकरी की जो दुईकाजी नस्ल होती है वो है हमारी जमुनापारी। कौन सी? जमुनापारी। दुईकाजी नस्ल का मतलब यह है कि जो कि मीट के लिए भी यूज की जा सके, जिसका यूज मिल्क के लिए भी की जा सके, उसे हम दुईकाजी नस्ल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 एंड 81 का जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो है बेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। तो बहुत ही ज्यादा रूट जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है वो आपका M27 है, M27। सिंपल से हैं, रूट स्टॉक क्या होते हैं भाई? रूट स्टॉक वे स्टॉक होते हैं, जैसे कि एक अपने पास तरीके से रूट स्टॉक है, इस पर लाकर हम बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ ग्रो करा सकते हैं और यहाँ से इनको कट करके फिर दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे प्लांट हम उसी वेराइटी के वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ये रूट स्टॉक्स आपके होते हैं। तो बेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है? M27 है एप्पल का। फेमस क्वेश्चन है सारे के सारे, फेमस बिल्कुल, अल्ट्रा ड्वार्फ जिसे कि हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करें तो 82 है हमारा अ फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट देता है? तो DAP देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, MOP फास्फोरस पाया जाता है, SSP में आपका फास्फोरस है, कैल्शियम है और सल्फर है, ये तीनों पाए जाते हैं। SSP में फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो इसे प्रोवाइड करा रहा है सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग मोस्ट सूटेबल फॉर द फार्मर? फार्मर के लिए जो फॉरकास्टिंग होती है, जैसे शॉर्ट रेंज की बात करें तो ये आपकी 24 से 48 घंटे के लिए की जाती है, 1 से 2 दिन के लिए। मीडियम रेंज की बात करें तो ये 1 सप्ताह के लिए, 7 से 10 दिन के लिए की जाती है। तो जो 7 से 10 दिन वाली हमारे किस काम की? हमें तो चाहिए भाई लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग, हमें तो चाहिए लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, तभी किसान के लिए उपयोगी है कि आने वाले दिनों में, इतने दिनों में इतनी वर्षा होने वाली है, तो आप कौन सी क्रॉप का उपयोग वहां पर करें, इसीलिए लॉन्ग रेंज हमें फायदेमंद होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम जब आपको सेल मैं पढ़ा रहा होगा तब वहां पर बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का काम आपके राइबोसोम के द्वारा ही होता है। एक सिंपल वे में बता दूं, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से ER बना होता है और इस ER पर चिपके होते हैं आपके राइबोसोम्स, और इन्हीं राइबोसोम पर आपका काम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। फिर राइबोसोम भी बहुत प्रकार के होते हैं, 70S, 80S, तो वो सब अपन आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसका आंसर सी सही होगा। ये क्या हो गया भाई, फिर से स्टार्ट हो रहा है। कौन से क्वेश्चन पर थे अपन? क्वेश्चन नंबर 82 है। एप्पल का रूट स्टॉक पढ़ लिया, एसएसपी या राइबोसोम पर थे। पर हैं 84 पर थे, तो राइबोसोम यहाँ पर पढ़ लिया और आगे चलें। रुको थोड़ा सा, क्या हुई? यहाँ पर थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन सिंथेसिस। अब चलें क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो बोला जा रहा है कि वैक्सिंग इज डन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कि फलों और सब्जियों में मोमीकरण क्या करता है? यदि आपने वैक्सिंग कर दिए तो क्या होगा वहां पे? तो देखो, ट्रांसपिरेशन तो डिक्रीज होगा ही होगा, साथ ही साथ में वहां पे आपका रेस्पिरेशन भी आपका डिक्रीज होगा। तो ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन दोनों ही वहां पर डिक्रीज होते हैं। वैक्सीन का मतलब है आपके पास कोई भी एक फ्रूट है, उसके ऊपर आपने मोम चढ़ा दिया, मोम की परत चढ़ा दी, तो उससे क्या होता है? तो दोनों ही क्रियाएं जो है ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एंड बाय व्हाट नेम आर दी फ्रूट्स ऑफ पर्ल मिलेट एंड ज्वार नोन, मतलब कि पर्ल मिलेट और ज्वार के फ्रूट को क्या बोला जाता है? तो देखो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन क्या है, तो मोस्टली जो हमारी ग्रेमनी फूल की क्रॉप होती है उनके फ्रूट को कैरियोप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस। अब यहां पर जो दिए हुए हैं, जैसे कैप्सूल है, फिर पॉड है, फिर ईयर है, और फिर सिलिकवा है। तो सिलिकवा तो आपके कौन से हैं? जैसे कि मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड के फ्रूट को हम यहाँ पे सिलिकवा कहते हैं। कैप्सूल है, जैसे हमारा भिंडी होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। पॉड है तो पल्सेस क्रॉप का पॉड कहते हैं। बाकी ये जो ईयर है, ईयर यहां पर एक इन्फ्लोरोसेंस का टाइप है, पुष्पक्रम का टाइप है। अब यहां पे हालांकि ज्वार और बाजरा के हिसाब से ईयर यहां पर सही होगा, ठीक है, पर्ल मिलेट और इसके हिसाब से ईयर यहां पर सही होगा। तो गौरशरण पार्क कैरियोप्सिस है, बट यहाँ पे कैरियोप्सिस ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं क्या होगा, इसका आप कुछ पता नहीं है, बट इसका सही आंसर आपका फिर ईयर जाएगा यदि वहां पे एग्जामिनर देगा, बाकी कैंसिल होगा ये क्वेश्चन। फ्रूट्स और इन्फ्लोरोसेंस को मिक्स कर दिया है। फिर है ये, यहां पे ए नहीं होगा, ये एस होगा। ये गैस्ट्रेशन पीरियड की बात की जा रही है, यानी कि गर्भधारण काल की बात की जा रही है। तो गैस्ट्रेशन पीरियड पिग में कितना होता है? सूअर का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? तो गर्भधारण काल सूअर का होता है आपका 114 दिन, 114 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, अब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, पूरा एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी इन इंडिया, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के फादर कौन है? तो इसका सही आंसर है एल ए रामदास जी को कृषि जो मौसम विज्ञान है उसका फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, भाई इनमें से बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सनफ्लावर की फैमिली कंपोजिटी होती है, बिल्कुल सही है। कॉटन मालवेसी कुल का है, कैस्टर आपका मालवेसी का कंपोजिटी का नहीं है, देन सुगर कैन आपका ग्रेमिनी का। अब यहाँ पर कमेंट में मुझे बताना कैस्टर की फैमिली क्या होती है, कैस्टर की फैमिली क्या होती है, जरा मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे लिंक का पूछा जा रहा है किस किस के बीच में, सोर्स और जो रिसीवर है। एक सोर्स होता है, एक रिसीवर होता है। सोर्स जहाँ से मैसेज को दिया जाता है, रिसीवर जहाँ पे मैसेज को लिया जाता है, उसके बीच में लिंक का काम क्या करता है, लिंक का काम क्या करता है। तो देखो मैसेज है, कम्युनिकेशन इफेक्ट है, चैनल है, ट्रीटमेंट है, तो उनके बीच में जो आपका लिंक का काम करेगा वो करेगा कम्युनिकेशन इफेक्ट। कौन सा काम करेगा आपका जोड़ने का काम। तो वैसे एक हम कह सकते हैं मीडियम इनका क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इफेक्ट तो नहीं, मैसेज तो दिया जाता है, देन चैनल, जो चैनल है सोर्स और रिसीवर को जोड़ने का काम आपका यहाँ पे करता है चैनल। चैनल आपका यहाँ पर होगा, ए मैसेज नहीं होगा प्रगति जी, यदि आप इसका बता रहे हैं तो चैनल होगा, बिल्कुल चैनल दोनों को जोड़ने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 91 न्यूट्रिएंट हमें यहाँ पर पूछा गया है जो कि एसोसिएट है आपके सिस्टीन एमिनो एसिड से। तो आपको पता है भाई जो सिस्टीन एमिनो एसिड होते हैं ना वो आपके सल्फर युक्त एमिनो एसिड भी होते हैं, तो सल्फर उनके लिए जरूरी होगा क्योंकि उनमें पाया जाता ही है सल्फर। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद रहे कि हाँ यार उसमें पूछे गए थे तो सर ने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया हुआ है। बॉडी टेम्परेचर पूछा है आपसे हैन का, कितना होता है, तो बॉडी टेम्परेचर हैन का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो हैन का ही रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलें तो द एग्रोनॉमिक मीजर ऑफ सोइल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव विद स्लोप। जो एग्रोनॉमिक मीजर होते हैं सोइल को कंजर्व करने के लिए वह कितने प्रतिशत पर अपनाए जाते हैं जब आपका सोइल स्लोप 2% होता है। 10% पर तब हम अपनाते हैं मैकेनिकल मीजर। यदि एग्रोनॉमिक की जगह आपसे पूछ लेता मैकेनिकल मीजर तब कितना आता आपका 10%, तब हम 10% आंसर हमारा जाता। क्वेश्चन नंबर 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैव रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब मैंने सेल आप लोगों को नहीं पढ़ाया बट जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है वो लोग समझ रहे होंगे। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो हमारे लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक का मतलब है ये अपघटन का काम करते हैं और अपघटन का मतलब है कि अपने ही सेल के ऑर्गेनेल को खा जाएंगे यदि इनको कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडियल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी इन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम को। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होंगे, लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। भैया फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन सा है, तो फॉल्स फ्रूट का यहाँ पर आपका एग्जाम्पल जो है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैलाइन सॉइल की पूछी हुई है। टेम्परेचर दिया हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट सैलाइन सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, इसका सही आंसर होगा 4 से अधिक, मोर देन 4 DSM/m। क्वेश्चन नंबर 97 इसके भी चार्ट, सोइल साइंस में सारे चार्ट बनवाऊंगा मैं। देन क्वेश्चन नंबर 97 है हाउ मच म्यूरेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास है MOP, जिसे कि हम पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, KCl है ना, और इसमें 60% होता है हमारा पोटास है। 60% का मतलब क्या है, 100 किलोग्राम में 60 किलो। पूछा कितना है, देना कितना है, आप जरा यहाँ पे देखो 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सर हमें मिल रहा है 60 किलो मिल रहा है हमें 100 किलोग्राम से, ठीक है। देना कितना है 50 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम देने के लिए क्या करोगे 100/60 करोगे, ठीक है, इंटू 50 कर दो, 0 से 0 काटो, यहाँ पर इसका जब इंटू करोगे तो कितना आएगा 1.66 और जब आप इसका 5 में इंटू करोगे तो लगभग 16 पंजे 80 के समथिंग आएगा। तो आपका कहाँ चला जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 83.5, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 83.5। क्वेश्चन नंबर 98 कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। कैल्शियम जो है वह इनमें से किसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो प्रोटीन का नहीं होता, सेल वॉल का होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड में कोई काम नहीं करता। तो कैल्शियम सेल वॉल को बनाता है क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट आपका सेल वॉल में ही पाया जाता है, मिडिल लेमिला में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 99 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब आया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर मैंने जब नेट पर सर्च किया तो 1957 भी वहां पर दिखा रहा है और एक जो नया वाला है वो 1985 भी वहां पर नजर आ रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955, उसमें ये रिलीज किया गया था ऑर्डर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1957। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 एंड प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बायर फॉर द प्रोडक्ट्स, यानी कि एक किसी प्रोडक्ट के लिए हमें वहां पर एक ही बायर देखने को मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल बायर होगा। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मोनोपॉली, ओनली सिंगल बायर होगा। मोनोपॉली ओलिगोपॉली यहाँ पे सेलर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बायर की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर होता है मोनोपॉली। क्वेश्चन नंबर 101 में है, मैंगो मिलीबग जो है वो अंडे कहां पर देती है? तो मैंगो मिलीबग आपका अंडे देता है इन्फ्लोरेसेंस पर, जो भी पुष्पक्रम होता है मैंगो का वहां पर अंडे दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102, रिप्रोडक्शन बाय लीफ, लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन मतलब कि ऐसा कौन सा आपका प्लांट है जिसका कि लीफ के द्वारा प्रोपेगेशन किया जा सकता है, रिप्रोडक्शन किया जा सकता है? तो बिगोनिया, हाइड्रेला, जैस्मीन, इन सभी का जो है लीफ के द्वारा आपका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलें तो बोर्डेक्स मिक्सचर किसको कंट्रोल करता है? बोर्डेक्स मिक्सचर एक फंजीसाइड है। वैसे तो आपका ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज है, ये सारे के सारे फंगस से ही होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू को आपका बोर्डेक्स मिक्सचर कंट्रोल करेगा। डाउनी मिल्ड्यू को बोर्डेक्स मिक्सचर आपका कंट्रोल करेगा। देखिए, ब्लाइट्स और एंथ्रेक्नोज की यदि हम बात करें तो ये इसका फिर आपका आंसर नहीं होगा। एंथ्रेक्नोज और ब्लाइट्स के लिए हम यूज नहीं करते हैं डाउन बोर्डेक्स मिक्सचर का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 104, एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब देखो ये कितने मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। नीस तो है नहीं, स्लेट है नहीं, मार्बल है नहीं, ड्यूराइट। सही आंसर हो जाएगा। नीस हमारी जो है वो क्या है? नीस क्या है? मेटामॉर्फिक। स्लेट हमारी मेटामॉर्फिक, मार्बल हमारी मेटामॉर्फिक, सारी की सारी मेटामॉर्फिक है। तो इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल ड्यूराइट बचा। बताता हूँ भाई, याद रखो, यही सब आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 105, बाउंड्री लेयर बिटवीन द लीफ एंड द एयर इज कॉल्ड। भाई लीफ और एयर के बीच में जो बाउंड्री लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हम उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने बोला था आप लोगों को जब पढ़ाया था कि बेटा इनके शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म ही वहां पर दिया हुआ है। बिल्कुल डी इसका सही आंसर है, अविका नगर। तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी आपको बताना आना चाहिए कि आखिर यहाँ पे है क्या। 106 का डी, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें तो पीएच पूछा गया है काउ मिल्क का, कि काउ मिल्क का पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच होता है 6.4 to 6.6। 108 पूरे डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं। अब अदसाली सुगर कहने इसकी प्लांटिंग कब की जाती है? तो अदसाली सुगरकेन की प्लांटिंग की जाती है जुलाई से अगस्त में। क्वेश्चन नंबर 109, मॉडर्न जो एक वैरायटी है वह किसकी है? भाई यहाँ पे तो बड़ी आज दिक्कत हो रही है जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ यहाँ पर है, मॉडर्न जो है वैरायटी किसकी है? तो यह मॉडर्न वैरायटी है आपकी भाई। मॉडर्न वैरायटी किसकी है? तिल की है, सनफ्लावर की है, मस्टर्ड की है, या फिर सोयाबीन की है? तो यहाँ पर ये जो मॉडर्न वैरायटी है वो है आपकी मस्टर्ड की। प्रगति जी तिल की है क्या? तो इसका जहां तक है, 1 सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों तक गलत मस्टर्ड ही मुझे जहां तक है याद है, मैंने देखा हुआ था। नहीं, सनफ्लावर की है, सनफ्लावर की है ना, सनफ्लावर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपकी मॉडर्न वैरायटी है वो आपकी सनफ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलें तो पैसिव फैक्टर भाई सॉइल के। सॉइल फॉर्मेशन में आपके दो प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर। तो पैसिव फैक्टर पूछा गया है, तो पैसिव फैक्टर इनमें होता है पेरेंट मटेरियल, यानी कि इसका कोई भी एक्टिव रोल यहाँ पर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 111, तो इसमें क्या पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ? पहले ये योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स के पिता कौन कहे जाते हैं? हमारे एडम स्मिथ साहब। क्वेश्चन नंबर 113, इन ट्रोपोस्फीयर डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फीयर में जब अपन ने एक ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ मैंने आपको समझाया था, ट्रोपो स्ट्रेटो, और यहाँ पर मैंने बताया भी था कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज आपका होता है। तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, और इसे हम लैप्स रेट भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो भाई 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। जो कंसेप्ट है सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस का किसने दिया था? तो ये अपने मार्शल साहब ने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस का यहाँ पर कंसेप्ट सबसे पहली बार दिया था। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा यहाँ पर, साइंटिस्ट का नाम बताइए, सॉरी साइंटिफिक नेम बताइए सोरगम स्टेम बोरर का। तो सोरगम स्टेम बोरर का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा काइलोपर्टिलस। एकदम रटा हुआ, जिसने रटा हुआ है ना, बस वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब है DRIS जो है वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है? तो DRIS जो है ये है आपका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में है, और तो यह किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो इसका जो सही आंसर है DRIS का, वो तो मैं नहीं खोज पाया हूं, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि DRIS सिस्टम जो है, ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है आपका, यह कहां पर एप्लीकेबल होगा। वैसे हम बात करें तो DRIS का मैं फुल फॉर्म आपको यहां पर बता देता हूं, जो देखा हुआ है मैंने वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करता हूं। हाँ, यह डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब डायग्नोसिस तो चलो ठीक है कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो डायग्नोसिस और रिकमेंडेशन तो करेंगे, लेकिन कौन सी क्रॉप के लिए, तो ये थोड़ा सा अभी सर्च अपने को करना बाकी है। वैसे सारे लोग भी बता रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लेकिन एक बार अच्छे से देखेंगे रेफरेंस बुक के साथ, उसके बाद आप लोगों को आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग, गलत बताने से अच्छा है कि कोई सी चीज को वहीं रोक दिया जाए, ना बताया जाए, क्योंकि आपको भी गलत मालूम ना चले, हमें भी गलत हम ना बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल। इनमें से कौन सी फिक्स्ड कैपिटल नहीं है? फार्म बिल्डिंग तो फिक्स होती है, बिल्डिंग को इधर उधर नहीं कर सकते, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसे भी इधर उधर नहीं कर सकते, भाई मशीन है, मशीन तो चल फिर सकती है, तो ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, डुअल पर्पस ब्रीड बताइए भाई आप काऊ की। तो काऊ की जो डुअल पर्पस ब्रीड है वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए थार पारकर। साहिवाल ये हमारी दूध वाली है, सिंधी, गिर ये सारी की सारी दूध वाली हैं, डुअल पर्पस नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 119 यहाँ पर है आपका, टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इज, सीप की टॉलेस्ट ब्रीड कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेल्लोर। नेल्लोर जो है वो सबसे लंबी ब्रीड है आपकी शीप की। क्वेश्चन नंबर 120, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। अब क्वाड्स मैंने आपको पढ़ा रखा है, और क्वाड्स को मैंने जो कल मैंने क्लास ली थी उससे पहले वाली क्लास को आप जरा देखिएगा, एकदम उसी से क्वेश्चन ये बना हुआ है। तो क्वाड जो है वो हम उसे टेक्टोसिलिकेट में रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रखते। फाइलोसिलिकेट में? जी हाँ सर, उसे हम फाइलोसिलिकेट के अंतर्गत रखते हैं। जो मैंने DK10 का मटेरियल यहाँ पे डाला हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ा डीप में पढ़ने से अब जिसने अपनी क्लास ली होगी वो समझ जाएगा यार क्वार्ट्ज को फाइलोसिलिकेट में हम रखते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह भी पढ़ रखा है, उससे कोई हमें बात नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, और हम फिर एक श्योरिटी दे सकते हैं बच्चों को कि बेटा हमसे पढ़ रहे हो फ्री में भी, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सटेंशन का प्रिंसिपल नहीं है? लर्निंग बाय डूइंग, पार्टिसिपेशन, लीडरशिप, डिसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अभी हमने प्रिंसिपल आगे चलकर किसी का देखा था कि ये लर्निंग बाय डूइंग जो है वो प्रिंसिपल किसका है। गौरशरण पाल जी नाइस, चलो थैंक यू भाई गौरशरण। बी कौन सा? पार्टिसिपेशन। तो भाई एक्सटेंशन का है, पार्टिसिपेट करना। 121 डी प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिसएसोसिएशन असहभागिता एक्सटेंशन का प्रिंसिपल जो है नहीं होता। बी कहां से होगा? अरे इज नॉट पूछ रहा है ना, इज नॉट आ कौन सा नहीं है? पार्टिसिपेशन तो करना है उसमें, एक्सटेंशन बिना पार्टिसिपेशन के तो होगा ही नहीं। हम गांव पर जाकर खड़े हो गए, उसमें किसी ने भाग ही नहीं लिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया सुनने के लिए, तो किस काम का आपका जो है वो एक्सटेंशन हुआ। तो डिसएसोसिएशन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा ये फिर से वही आ गया क्या? ये बैक हो गया थोड़ा। हाँ 122 क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। देखो पहले आरबीआई का पूछा, फिर बाद में ये भी पूछ लिया। तो ये आपका 1969 को हुआ था, लेकिन ये 19 जुलाई को यह हुआ था। 19 जुलाई 1969 को आपकी बहुत सारी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो पेपर बड़ा सिंपल था भाई, कोई ज्यादा टफ इसमें पेपर नहीं था। फ्रूट राइपिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? ये अभी हम प्लांट फिजियोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। एथिलीन जो हार्मोन है फ्रूट राइपिंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 द वे इन विच मैसेज इन हैंडलिंग बिफोर प्लेसिंग इज चैनल। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैसेज होता है उसको हैंडल किया जाता है, और यहाँ पे कुछ एक वर्ड मैंने मिस कर दिया है। हैंडलिंग करने से पहले मतलब उसको सिक्योर हैंडलिंग कैसे की जाती है? तो सिक्योर हैंडलिंग करने के लिए उस मैसेज को डिकोड कर दिया जाता है, जो कि आपका व्हाट्सएप बोलता है कि हमारा एनक्रिप्टेड है, 128 बिट एनक्रिप्टेड है। मतलब यहाँ पर आप उसे भेजोगे हाई, तो ये हाई कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 में, 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है। सामने वाले को दिखेगा और आपको पता चलेगा कि आपने उसे क्या मैसेज भेजा। यदि बीच में उसे कोई क्रैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि आपने क्या भेजा है। क्वेश्चन नंबर 125 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा यूपी पीजीटी में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए FL ब्राई ने। ये हमने पढ़ रखा है, हमारे 1920 में चलाया गया एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव प्रोजेक्ट, और जनरल एग्रीकल्चर की क्लास में इसको पढ़ रखा था। तो आप लोग देख सकते हो कि यूपी पीजीटी जिसकी की सैलरी मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं 50 से 60 हज़ार सैलरी आराम से मिलेगी। यूपी पीजीटी जो भी जॉब जिसकी लगेगी 50-60 हज़ार रुपए आराम से कमाएगा। 50-60 हज़ार वाली जॉब के लिए आपका ऐसा एग्जाम पेपर आता है, तो मतलब ठीक है, सीधी सी बात है कट ऑफ हाई जाना है। जिसने पढ़ा है, सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन इसके साथ हम ये भी तो कर सकते हैं भाई कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सही पढ़ रहे हैं, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका पेपर क्या अलग से बना? जो आपने बुक्स पढ़ रखी है सारा का सारा वहीं से बना। तो क्यों आप अलग अलग एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग्स ढूंढते फिरते हो, अलग अलग उनके लिए बैचेस ढूंढते फिरते हो कि सर उसका बैच चल रहा है क्या, उसका बैच चल रहा है क्या? भाई जनरल एग्रीकल्चर होता है, इस पेपर से प्रूफ भी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि जनरल एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हम दें। अब IBPS AFO के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो IBPS AFO के क्या जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ नहीं फंस सकते? फंस सकते हैं और फंसेंगे भी, क्योंकि एग्रीकल्चर है, उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो एग्जाम बेसिस पर। ठीक है राहुल पाठक जी, गुड़गांव प्रोजेक्ट की ईयर मैंने बताया ना आपको 1920 टू 1921, ये आपकी वहां पर गुड़गांव प्रोजेक्ट की ईयर है। चलिए ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, जिन्होंने भी यूपी पीजीटी का एग्जाम दिया हुआ था। और जनरल एग्रीकल्चर का मतलब जनरल एग्रीकल्चर होता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर मिल सकता है मुकेश कुमार, मिल तो जाएगा, लेकिन मुझे जिसने PDF भेजी थी, मैं आपको डायरेक्ट PDF सेंड कराने वाला था, लेकिन ध्यान यहाँ पर दीजिएगा आप लोग। अब PDF उन्होंने इतनी बेकार बनाकर भेजी हुई थी कि फिर मुझे टाइप करना पड़े। मैंने ये, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 3 बजे तक ये पूरा 125 क्वेश्चन टाइप किए हुए थे। टाइम लग जाता है देख देख कर करने में, और फिर उसके बाद में मैंने 6 बजे से आपका लेक्चर आज इसलिए रख दिया क्योंकि आज मैं जा रहा हूं घर। अभी मैं निकल जाऊंगा 8-8:30 बजे के समथिंग। तो मैंने कहा यार ये जब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि यूपी पीजीटी का पेपर मैं सॉल्व आपको यहां पर जरूर कराऊंगा, तो वो मैंने 6 बजे उठकर कर दिया। ठीक है स्टेट लेवल एग्जाम है, राहुल पाटीदार स्टेट लेवल एग्जाम। तो ये मैंने सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद मैं सिंपली मतलब कि शांति से घर जा सकता हूँ। नहीं मुझे यही लगा रहता कि बच्चों को बोला जरूर था यार, फिर खराड़े संडे को सेमिनार कहाँ से रखें, घर जा रहे हैं ना, अगले संडे को पक्का, घर से आने के बाद अगला संडे, अगला जो भी संडे आएगा उसे पक्का सेमिनार रखें। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। शेयर कर देना सभी लोगों को जो भी देखना चाहे। यूपी पीजीटी क्या है मुन्ना? यूपी पीजीटी जो है ना, यूपी में जो 11th और 12th वाले बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए जो टीचर रखे जाते हैं, 11th और 12th वालों को एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए जो टीचर रखे जाते हैं, उनके लिए यूपी पीजीटी कराते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम होता है और वहां पर आप 11th 12th के टीचर बनते हैं, 11th 12th के टीचर आपके बनते हैं। ठीक है, हाँ जी चेतना, बता दिया मैंने यूपी पीजीटी क्या है, समझ आ गया होगा आपको। व्हाट्स नंबर समझा नहीं मैं, कोंदा जी व्हाट्स नंबर का मतलब क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए या क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं समझा नहीं मैं। चलिए ठीक है भाई, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे अब 5 से 6 दिन बाद, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, वेट करिएगा क्लासेस का। एंड चेतना जी एलिजिबिलिटी, बिल्कुल चेतना एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। चेतना इसके लिए चाहिए हमें एमएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए हमारा। ठीक है चेतना जी, एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए इसके लिए, बिल्कुल ये आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन पीजीटी के लिए बीएड मांगते हैं, टीजीटी के लिए नहीं, सॉरी टीजीटी के लिए बीएड मांगते हैं, पीजीटी के लिए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मांगते हैं आपका वहां पे। एमएससी एग्रीकल्चर, हिमांशु पाल एमएससी एग्रीकल्चर है। हाउ कैन आई गेट पीडीएफ? प्रदीप जी अच्छा, इस पूरे का पीडीएफ में दे दूं, आप ऐसा बोल रहे हैं प्रदीप कि मतलब ये जो मैंने टाइप किया हुआ है इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं क्या? मतलब जो एग्जाम पेपर आपका एकदम ओरिजिनल वाला उसकी पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये जो मैंने बनाई है ना, ये वाली पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां से आप देखकर उनके आंसर्स लगा लीजिएगा, ये वाली तो मैं करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है आपको भी। एडवांस में राहुल पाठक जी सभी बच्चों को, क्योंकि मैं क्लास तो ले नहीं पाऊंगा रक्षाबंधन के दिन, तो एडवांस में भाई रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छे से रहिए भाई बहन, प्यार से रहिए और पढ़ते रहिए। अपने घर वालों की जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरने की हमेशा कोशिश कीजिए। हाँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, टाइप किया है उसका पीडीएफ। ठीक है के, हाँ हाँ टेलीग्राम पर दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। द एग्रीकल्चर गुरु जी टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब सभी के डाउट क्लियर हैं, अब जा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।